बिग बॉस OTT सीजन 2 आपको स्क्रीन पे फेस दिख रहा होगा। आई थिंक मुझे लगता है जिया को एक गलत फहमी हो गई है कि जिया ने जो उस दिन एलविश यादव की वो चुगली की थी ग्रुप में जाकर के, जिस तरीके से उसने चुगली की थी, उसे लगता है कि उसने सही किया था। लेकिन मैं फिर से कह दूँ जिया, वो जो तुमने चुगली की या फिर जो भी तुमने कहा वो गलत था, क्योंकि जो वहाँ पे बात हो रही थी वो तुमने एलविश यादव को मुंह पे नहीं कहा कि भाई तुम सही नहीं कह रहे हो। तुमने चुगली करना ज़्यादा सही समझा और तुमने उस बंदे को वहाँ पे रोकना सही नहीं समझा। ऊपर से तुम्हें पूरी बात पता नहीं थी कि वो किस कॉन्टेस्ट में बात हो रही थी। लेकिन अब वीकेंड का वार जब हुआ तो उसकी बात पे चलते हैं। वीकेंड के वार पे ऑफकोर्स एक बड़ा इशू बना, और कहीं ना कहीं जब बात कही गई थी तो वो कही गई थी इंस्टाग्राम के कमेंट्स को लेकर के। एलविश ने कहा था कि उसके तो इंस्टाग्राम पे भी इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, बेम्बू वाला जो कहा था। अब वो बात कहना कहीं ना कहीं सही नहीं था, तो सभी को पता है, इसमें कोई अलग बात नहीं। और ये अभिषेक ने भी एलविश यादव को कहा था कि वो बात तुझे उस पॉइंट पर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि घर के अंदर ये सब बातें सही नहीं लगती। अब क्या होता है कि एक होती है मूवीज़ वाली लाइफ जो कि बड़े बड़े स्टार्स जीते हैं। अब एलविश यादव हो गए या फिर कोई भी यूट्यूबर्स हो गए, ये मतलब इन्हें आदत नहीं होती सफाई में बात कहने की, या फिर आप कह लें कि शुगर कोटेड करके बात कहने की। ज़्यादातर लोग जो कि रियल प्रोफेशन आप कह लें, जिस अगर इस तरह से जुड़े नहीं हैं, तो वो इस तरह की बातें मुँह से निकाल देते हैं। ख़ास करके आपने देखा होगा कि जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि क्या बातें कहनी है, कब कहनी है, टीवी पे दिख रहा है, कोई सपोर्ट करेगा कोई नहीं करेगा, तो ये बातें कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाती है। और मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं जो कि फुकरा इंसान को भी नहीं पता कि उन्हें कहनी चाहिए कि नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एलविश यादव को नहीं पता कि कहनी चाहिए या नहीं, चाहे वो रियलिटी ही क्यों ना हो। हो सकता है वो रियलिटी ही हो, लेकिन रियलिटी भी, क्योंकि जो शो बिज़नेस में है उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है। उन्हें सिर्फ वो जानना है जो कि स्क्रीन पे दिखे और गलत ना दिखे। अब बात ये रही कि जो उन्होंने वो बात कही थी, अब एलविश यादव ने कहा कि मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं उसके कमेंट सेक्शन पे, जो भी जहाँ पे भी वो अपनी पोस्ट करा डालती है तो ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स वहाँ पे आते हैं। अब ये रियलिटी है, हो सकता है आते हों, क्योंकि एलविश ने कहा कि ये रियलिटी आते हैं। लेकिन एलविश को ये समझना पड़ेगा कि जिस जगह में वो गए हुए हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। रियलिटी हो चाहे जो मर्जी हो, वो ये बात नहीं सुनेंगे। आपके मुंह से जिस तरीके से वो बात निकल रही है वही बात देखी जाएगी। नंबर दो बात, फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक ने भी एक बात कही थी एज को लेकर के। ये भी बात सही नहीं है, किसी की एज को लेकर के कमेंट करना ये भी सही नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, क्योंकि एज वही है अविनाश की, 51 साल की पूजा भट्ट है, उसकी एज यही है। अगर किसी को एज से कहना, उसे अगर वो गाली लगता है तो फिर उस पर मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता। वो एक किसी का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। किसी को एज से बोलना या एज से तंज मारना गालियों से, अब कोई मोटा है अगर आप उसे मोटा कह करके तंज मारोगे तो कुछ लोग उसे गाली मानते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि रियलिटी है भाई, तू मोटा है तो मोटा है, इसमें क्या मैं करूँ, कुछ लोग उसे रियलिटी कहते हैं। अब ये प्रोस्पेक्टिव आप किस तरह से उसे देख रहे हैं। लेकिन जब आप कैमरास के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं जवान का कंट्रोल रखना चाहिए। और मुझे लगता है ये कि जो इस प्रोफेशन में जुड़े हैं यानी कि मूवीज़ एक्टिंग इस सब से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि सब ऑल टाइम वो मीडिया के सामने होते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या कहना है क्या नहीं। वहीं अगर हम एलविश की बात कर लें या फिर फुकरा इंसान की बात कर लें, ये सब इतने ज़्यादा सोशल मीडिया से नहीं अटैच होते तो इन्हें पता नहीं होता कि हम किस बात को शुगर कोटेड करके कहें या किस बात को नहीं। चाहे वो एज को लेकर के हो या फिर बॉडी को लेकर के हो या फिर जो कमेंट सेक्शन वाली एलविश यादव ने बात कही उसको लेकर के हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो कि हमें लगता है कि बुरी है, यानी कि हमें का मतलब है कि यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले उन्हें लगता है कि बुरी है, लेकिन मूवी स्टार वाले ये बात नहीं समझते, उन्हें लगता है कि नॉर्मल है। जैसे कि सलमान खान को भी शर्म आनी चाहिए, मैं यही बात कहूँगा, सलमान खान ने जो हरकत की है
एलविश यादव ने तो चलिए किसी कमेंट को लेकर के बात कही कि उसके प्रोफाइल पे कमेंट आते हैं, लेकिन जो सलमान खान ने हरकत की, जो उन्होंने वो पैसों वाली बात की, मुझे लगता है उससे गिरी हुई बात तो शायद एलविश यादव ने भी नहीं कही। अब उनके लिए वो नॉर्मल है क्योंकि उनके जो टिकट्स बिकते हैं वो पैसों पर बिकते हैं, तो उनके लिए लगता है कि वो बात नॉर्मल है। जैसे सलमान खान ने कहा कि आपके जो फॉलोअर्स होते हैं अगर वो पैसा दे करके आप वो फॉलो कर रहे हैं तब मैं मानूं कि आपकी कुछ फॉलोइंग है, कुछ जो भी उन्होंने कहा, आप एक्सेप्ट वर्ड याद नहीं, तो उन्हें वो लगता है कि वो बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई फ्री में आपको देख रहा हो, वो भी फ़ैन हो सकता है, वो भी फॉलोअर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पैसे दे करके आपको फॉलो करे वही उसे ही आप रिस्पेक्ट दोगे कि ये असली फॉलोअर्स है। तो सलमान खान ने जो बात कही मुझे लगता है वो बहुत ही गिरी हुई बात कही थी, और मुझे लगता है कि जैसे कि एलविश यादव ने माफ़ी मांगी, जाने अनजाने में एलविश यादव से वो जो निकला उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे लगता है सलमान खान को भी हो सकता है आने वाले जो वीकेंड का वार है उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने वो 500 रुपये वाली बात कही थी कि अगर तुम्हारे फॉलोअर्स 500-1000 रुपये करके दे करके तुम्हें क्या फॉलो करेंगे। तो ऑफकोर्स वो यही कहना चाह रहे थे कि मूवीज़ में तो हमारे टिकट भाई फॉलो उस दे करके बिकते हैं, पैसे दे करके लोग आते हैं, उसे फॉलोअर्स कहते हैं, उसे फैन फॉलोइंग कहते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स क्या पैसे दे करके तुम्हें फॉलो करेंगे या फिर पैसे तुम्हें देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया बात की सलमान खान ने। अब सलमान खान की नॉर्मल ये इसलिए है क्योंकि सलमान खान उस सिचुएशन में नहीं रहे हैं। जैसे कि मोटे को मोटा कहना हो सकता है किसी के लिए एक रियलिटी हो, खास करके उनके लिए जो मीडिया में सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा नहीं रहते, उनके लिए मोटा मोटा कहना एक रियलिटी है। किसी के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं अगर वो उस तरीके से कह रहा है तो उसके लिए वो रियलिटी है, वो शुगर कोट होकर के शायद नहीं कह सकता। या फिर अगर किसी की एज को लेकर के आप कहेंगे वो है तू 32 साल का हो गया लेकिन तेरे में मैच्योरिटी नहीं आई है, मुझे नहीं दिख रहा है, अब वो कहना ये चाह रहा है कि भाई तेरी एज ज़्यादा भी हो गई है लेकिन तू अभी तक मैच्योर नहीं है, वो ये बात कहना चाह रहा है, लेकिन वो शुगर कोट होकर के नहीं कह सकता। आप उसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि भाई तूने एज को बीच में कैसे ला दिया ये सब, और ये मीडिया वाले, टीवी वाले, एक्टर्स लोग ये सब करते हैं क्योंकि वो मीडिया के साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेक्टिव होता है देखने का। लेकिन हाँ, एलविश यादव ने जो वो बात कही थी लड़कियों के लिए, वो खुंडे वाली बात, वो कहीं ना कहीं एलविश यादव ने मानी, गलती मान ली, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सलमान खान ने जो गिरी हुई हरकत की या फिर जो गलती की, अगर सलमान खान उसके लिए माफ़ी मांगते हैं तो मुझे लगता है कि सलमान खान भी बड़प्पन दिखाएंगे और कहेंगे मुझे भी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, किसी को पैसों से तोड़ना या फिर पैसे लेकर के अगर फॉलोअर आते हैं तो उन्हें आप फॉलोअर कह रहे हैं, वो रियल फॉलोअर या फिर जो भी वो कहना चाहते थे असली फॉलोअर जो उन्होंने कुछ कहा, अब सलमान खान खुद समझेंगे कि उन्होंने वो एक बात कह दी। क्योंकि अब सलमान खान को भी ब्लेम कुछ लोग नहीं करेंगे क्योंकि जो उनका सर्कल है वहाँ पर टिकट्स पैसे दे करके ही बिकते हैं, और उनके वहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आपको देखने के लिए कोई पैसा दे रहा है तो आप रियल स्टार हो। ये बॉलीवुड में माना जाता है कि अगर कोई बड़ा स्टार है उसको देखने के लिए लोग टिकट्स दे रहे हैं, जब ज़्यादा टिकट्स, महंगे टिकट्स खरीद रहे हैं तो उस स्टार में पावर है। और कोई स्टार ऐसे होते हैं जिनको लेकर के लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते या फिर मूवी में थिएटर्स में देख करके पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो उसे उतना बड़ा स्टार कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। अब कौन समझाए सलमान खान को भी, लेकिन अगर सलमान खान को एक गलती रियलाइज़ होगी तो उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या कहना है इस पूरे टॉपिक के बारे में कि सलमान खान ने जो वो हरकत की क्या वो सही थी, क्या उन्हें वो सब चीज़ें कहनी चाहिए थी, और ऊपर से जो उन्होंने मदर को लाया उसमें, अब मुझे नहीं पता वो मदर वाला एंगल TRP के लिए था किसके लिए था, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि वो बस एक वहाँ पे, क्योंकि शायद उनका कुछ पता नहीं क्या रहा होगा, कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, मुझे लगता है उसके लिए मदर को कनेक्ट किया, ऐसा ही कुछ रहा होगा। वैसे आपको पता, आप बताएं सलमान खान ने जो हरकत की वो पैसों वाली हरकत कही, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वो आर्मी वाला पॉइंट, वो आर्मी वाला पॉइंट बीच में क्यों लाया गया मुझे समझ ही नहीं आया। जो आर्मी वाला पॉइंट था वो तो ज़बरदस्ती सलमान खान ने खींचा, उसके लिए भी मुझे लगता है सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि वो पॉइंट वहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। वो तो एक मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं रियल डिसरिस्पेक्ट जिसे कहते हैं आर्मी की, वो करनी चाहिए क्योंकि आर्मी की रिस्पेक्ट अलग है। आप आर्मी को
और सोशल मीडिया की आर्मी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उन्हें कह रहे हैं कि रियल आर्मी तो वो है, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाहते थे सलमान खान, वो तो मुझे पॉइंट ही बिल्कुल बेसलेस लगा। ना तो अल्पेश यादव ने कभी कहा रियल आर्मी और उनकी आर्मी कि उनकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग है रियल आर्मी से, ये तो कभी हुआ ही नहीं वाक्य। सलमान खान ने उस वाक्य को कैसे जोड़ दिया रियल आर्मी से, भगवान जाने, सलमान खान की बुद्धि जाने और टीआरपी वाले जाने कि वो क्या कहना चाहते थे। अब हो सकता है कि अल्पेश यादव ने गलती मान ली, इसलिए उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, तो उन्होंने उस टॉपिक को और इमोशनल बनाना चाहा, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में आर्मी के साथ लोग जो है इमोशन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे वो उन्होंने आर्मी के साथ उस सब को जोड़ना चाहा। और अगेन जिया ओवर एक्टिंग की दुकान लास्ट में भी कहती है कि अब तो मैं उस लड़के के साथ सेफ फील ही नहीं करती। जब यहाँ पे वो ऐसे वाक्य बोल सकता है तो बाहर तो पता नहीं वो लड़कियों के साथ क्या क्या करता होगा। आई मीन सीरियसली, ये जो डेविल वाली हंसी जिया ने उस वाक्य पॉइंट पे दी है, आथू यही वाक्य कहूँगा मैं। आई मीन असम्पशन बनाना, मानते हैं कि आप रील लाइफ में जीते हो ना कि रियल लाइफ में, लेकिन हर चीज़ रियल नहीं होती, हर चीज़ एक्टिंग नहीं होती, और हर चीज़ को सीरियल्स की तरह एक फ्लैश करके बताना, एक ही वाक्य को चार बार करके बताना सही नहीं होता जिया जी। और जिस तरह से आपने वाक्य कहा है ना कि घर के बाहर तो वो क्या करता होगा, आई थिंक सलमान खान को उस पर भी क्लास लेनी चाहिए थी जिया की, कि जिया किसी को इस तरह से भी नेगेटिव दिखाना भी सही नहीं है, आखिरकार वो भी लड़का है। अगर आप किसी लड़की को ये कहोगे, जैसे कि मनीषा रानी को कई बार बेबिका ने कहा मुँह मारती है, मनीषा रानी को बुरा लगा, वैसे ही शायद एल्विश ने जब ये अगर ये बात सुनेगा तो एल्विश को भी बुरा लगेगा। आप किसी लड़के को ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बाहर वो क्या करता होगा, आई मीन इससे क्या मतलब है? उसने घर के अंदर ऐसा किसके साथ क्या गलती, क्या किस तरीके से छुआ किसी को, या किस तरीके से किसी को देखा कि आप कह रहे हो कि वो घर के बाहर क्या करता होगा। तो जिया जी, आपकी भी शायद क्लास लगनी चाहिए थी। अब सलमान खान क्या करेंगे देखते हैं।